झारखंड की परिस्थिति अभी कुछ ऐसी है। एसडीजी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार पेयजल और स्वच्छता मामले में झारखंड का देश भर में 28 राज्यों में 19वां स्थान है। आखिर क्यों? जंगल के मामले में देखा जाए तो 25 लाख डिसमिल जंगल कम हो गई है। आखिर ये जंगल जा कहां रही है? जमीन के मामले में देखा जाए तो यहाँ की भूमि को भूमि माफिया के द्वारा लूटा जा रहा है और बिजनेस टाइकून्स को बेचा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? झारखंड की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन कुपोषित है और रोजगार के मामले में तो आप सबको पता ही होगा कि यहाँ बेरोजगारी कैसी फैली हुई है। शिक्षा में भी राज्य पूरे देश भर में 28 राज्यों में 21वां स्थान पे है। ऐसा क्यों? गरीबी में भी एमपीआई रिपोर्ट के अनुसार झारखंड दूसरी स्थान पर है। 20 साल हो गए झारखंड बने हुए और अभी भी यही स्थिति है। मेरे पिताजी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी ने दिशुम गुरु श्री शिबू सोरेन के साथ मिलकर विकसित और समृद्ध झारखंड का सपना देखा था। उन्होंने अपना बचपन और युवा अवस्था राज्यवासियों के दुख दर्द को कम करने के लिए न्योछावर कर दिया। संघर्ष की बदौलत अलग झारखंड का निर्माण हुआ, लेकिन अभी भी कई सपने अधूरे हैं। इन्हीं परिस्थितियों को देखकर दुर्गा सोरेन सिन्हा ने आम जनता की आवाजों को बुलंद करने का निर्णय लिया है। जय हिंद, जय झारखंड। हेमंत सर, क्योंकि वो सीएम है इसलिए मैं बोलूंगी, तो वो अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं इस देश की जनता को उसका सही उचित अधिकार दिलाने के लिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि सरकार में अभी भी, क्योंकि राज्य में जेएमएम की सरकार है और राज्य के लोगों को भी उनसे काफी उम्मीदें हैं, लेकिन मुझे लगता है ऐसे कुछ लोग सरकार से जुड़ चुके हैं जो सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और प्रभारी मंत्रियों के माध्यम से इन भ्रष्टाचारियों को बचाया भी जा रहा है। इनके ऊपर सवाल उठाते हैं तो दुष्प्रचार करके सदन को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। तो ये सब को देखकर मैंने ये निर्णय लिया है कि इन सब चीजों में आवाज उठाया जाए और कुछ सही प्रकार से देश के लिए, प्रदेश के लिए कुछ किया जाए। कुछ ना कुछ जरूर कर रही होगी, पर मैं ये जानती हूँ कि सरकार में कुछ ऐसे लोग भी आ चुके हैं जो बस अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं और लोगों के हित में नहीं सोच रहे हैं। तो नहीं हो रहा है। पता नहीं, जेएमएम का उद्देश्य कुछ अलग है, मेरे पिताजी का उद्देश्य कुछ अलग है और हमारा उद्देश्य कुछ मेरे पिताजी से ही मिलता जुलता है, तो हम वही कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस चाहूंगी कि सरकार इन जल जंगल और जमीन के मामलों में थोड़ा संज्ञान ले और ऐसे भ्रष्टाचारियों की के ऊपर कार्यवाही करे, दोषियों के ऊपर कार्यवाही करे और उच्च स्तरीय जांच भी करे ऐसे मामलों पे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।